हाय स्टूडेंट्स, आज क्लास 10th एनसीईआरटी का टेंस का विलोम आप लोग के सामने सिद्ध कराने वाले हैं, क्योंकि बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कल के क्लास में आपको टेंस का में बताया था, आज टेंस का विलोम बता रहे हैं। गौर से देखिएगा, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आसान वे में समझाया जाएगा, बहुत ही जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। टेंस का प्रमेय का विलोम का एक कथन है। कथन लिखा हुआ है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करें तो जो रेखा है तीसरी भुजा के समांतर होती है। अब इनको पिछले क्वेश्चन में समांतर दिया तो समान अनुपात में बांटती है, ये सिद्ध करना था, लेकिन इस क्वेश्चन में अनुपात में बांटती है तो हमको समांतर सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे दिया है कि ए बी सी एक त्रिभुज है, एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें डी जिसमें अनुपात में बांटती हो, विभाजित करती हो, यदि दिया है जिसमें एडी बटा डीबी बराबर ए बटा बीसी, इसको इक्वेशन 1 मान लें। ठीक है, दिया है कि बात लिखते हैं, सिद्ध करना है कि डी समांतर बीसी, ये हमको सिद्ध करना है। पिछले क्वेश्चन में टेंस प्रमेय में ये दिया था और ये सिद्ध करना था, ये इसका विलोम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ये दिया है और ये सिद्ध करना है। रचना, एक अन्य रेखा DF थीटा जो BC के समांतर है, ठीक है ना, ये माना गया है नहीं माना गया है। अब इसके बाद प्रमाण लिखेंगे, क्योंकि DF समांतर BC, ये बात जो है रचना से हमें मालूम है। रचना इसलिए थेल्स का प्रमेय कहता है कि अगर समांतर हो तो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, इसलिए हम लिख सकते हैं AD बटा DB बराबर 1 बटा FC, इक्वेशन 2। अब समीकरण 1 तथा 2 से दोनों का LHS देखिए बराबर है, यहां भी AD बटा DB, यहां भी AD बटा DB, जब LHS बराबर तब RHS बराबर, तो इसलिए हम लिख सकते हैं AE बटा EC बराबर AF बटा FC। इसके बाद दोनों तरफ 1 जोड़ने पर, इसको याद रखिएगा, 1 जोड़ा जाता है इसमें टेंस के विलोम में, दोनों तरफ +1 जोड़ने पर, +1 जोड़ेंगे तो AE बटा EC +1 AF बटा FC +1, तो ये LCM लेंगे इसी ए प्लस ई सी, और इधर जोड़ेंगे ए प्लस एफ सी बटा में एफ सी। अब देखिए ए और ई सी को जोड़ना है, ए यहां तक और ई सी, इसको जोड़ने पे क्या बन जा रहा है, ए सी, लिख देंगे ए सी बटा में ई सी। अब इसमें देखिए एफ और एफ सी को जोड़ना है, एफ एफ सी, इसको भी जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ए सी और बटा में एफ सी, एसी एसी कट गया, आ गया ईसी बराबर एफसी। ठीक है, तो ईसी दूरी ये वाला और एफसी दूरी दोनों बराबर है, इससे ये पता चलता है कि जो ई और एफ दोनों बिंदु है, दोनों ई है, अर्थात बिंदु ई तथा बिंदु एफ एक ही बिंदु है। जब एक ही बिंदु है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्योंकि रचना से हमने लिखा था कि DF समांतर BC, रचना से, तो चूंकि F और E एक ही बिंदु है, तो F को हटा कर क्या लिख सकते हैं, E भी लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं DE समांतर BC, यही हमको सिद्ध करना था। सिद्ध कर रहा है कि डी समांतर बीसी, इसलिए थेल्स प्रमेय का विलोम
का विलोम सिद्धवा। इसे पढ़ लीजिएगा जो कि बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे की क्लासों में हम आपको पाइथागोरस प्रमेय और पाइथागोरस का विलोम और भी इंपॉर्टेंट प्रमेय को पढ़ाऊंगा। आपकी सफलता हमारा लक्ष्य है।